हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कानन पिंडारी का, जो कि बिलासपुर सिटी में स्थित है। कानन पिंडारी में एक चिड़ियाघर है, जिसे इंग्लिश में जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद जोगी जी ने किया था। कानन पिंडारी में प्रवेश करने के लिए आपको मात्र 20 रुपये खर्च करने होंगे पर पर्सन। यह बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको यहां पहुंचने के लिए उसलापुर कोटा मार्ग में आना पड़ेगा। दोस्तों, यहां आप काले हिरण का सिंह देख सकते हैं दोस्तों, और ऐसे करते हुए बहुत सारे सिंह यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहां पर एक नाम नहीं लिखा हुआ है, यह भी किसी हिरण का ही है, सिंह है। और ये मणिपुरी लिखा हुआ है, यह भी एक तरह का जानवर है। अभी हम यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर हॉल में हैं। यहाँ आपको वन्य जीवों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, उनके बारे में डिटेल में आप यहाँ से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो इस सेंटर हॉल से आप वन्य प्राणियों के बारे में थियोरिटिकल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इन जीवों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और जूम करके इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, एक तस्वीर में तेंदुए और बाघ के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त तेंदुआ और चीता के बीच में भी क्या अंतर होता है, उसके बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे आपको स्तनधारी जीवों के बारे में भी जानकारियाँ मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे करते हुए बोर्ड में यहाँ सभी प्रकार के जीवों के बारे में जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए, एक चमगादड़ एकमात्र ऐसा उड़ने वाला पक्षी है जो कि स्तनधारी होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी चिड़िया स्तनधारी नहीं होती है। सामान्यतः चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। यहाँ बोर्ड में आप पक्षियों के बारे में देख सकते हैं, और यहाँ से तो आप पक्षियों को पहचान सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, पर इसका डिजिटलाइजेशन अभी बंद है। दोस्तों, अगर यह स्टार्ट होता ना तो यहाँ भी चार्ज लगता, कम से कम 10 या 20 रुपये यहाँ भी आपको चार्ज देने पड़ते। चलिए, अब इस हॉल से बाहर निकलते हैं और बाहर के वातावरण का भी आनंद उठाते हैं। दोस्तों, जिस दिन हम यह वीडियो शूट कर रहे थे उस दिन काफ़ी भीड़ थी, और 15 अगस्त भी था, फेस्टिवल सीज़न होने के कारण मैं यह वीडियो थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर फैमिली के साथ आए हुए हैं और टाइम थोड़ा कम है तो 40 मिनट पे इस बैटरी चलित वाहन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, 300 रुपये चार्ज पड़ेगा 6 व्यक्तियों के लिए। आगे एक एक्वेरियम हाउस है, यहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ भी प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपये है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियों के बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। पिंक कलर की मछली है, एक यूनिक प्रजाति है। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे खूबसूरत मछली है इस एक्वेरियम का, मुझे तो सबसे खूबसूरत लगा भाई। बाकी ये ऑरेंज फिश और ये सुनहरी कलर की फिश, ऐसे तो एक्वेरियम में आप इसे देखते ही रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, बिलासपुर ज़िले में डिज्नीलैंड मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ आपको अंडर वाटर टनल में ऐसे ही फिश देखने को मिलेंगे दोस्तों, और जिसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 100 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको 100 रुपये खर्च करने हैं डिज्नीलैंड मेले में, या कानन पिंडारी में आप 10 रुपये में यहाँ का नज़ारों का आनंद उठाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 20 रुपये आपको एंट्री फीस देनी होती है, और इस पूरे परिसर को आप देख सकते हैं। तो हो सके तो आप कानन पिंडारी आ जाएँ, कम कॉस्ट में यहाँ आपको ज़्यादा एडवेंचर फील होगा। दोस्तों, चलिए अब इन मछलियों को देखने का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत मछलियां हैं। ये देखिए, एक विचित्र प्रजाति की मछली है जिसे फ्लावर हॉर्न फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके सर के ऊपर एक मुकुट सा बना हुआ है जो कि काफ़ी रेयर है, जो कि इसे यूनिकनेस प्रदान करता है। आगे वाइट फिश है, ये भी काफ़ी सुंदर है। दोस्तों, पिंक कलर की फिश के बाद ये वाइट कलर की फिश मुझे पसंद आई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा अपील है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा मैं बीच बीच में। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलता रहे। आगे कुछ बड़े साइज़ की फिश हैं, जैसे कि जॉइंट ग्रामो फिश, एलिगेटर फिश, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, और ये थोड़ा सा अलग फिश है। इसका जो मुंह है वो नुकीला है, पक्षियों के जैसा, चोंच जैसा भी कह सकते हैं। इधर देखो, ये फिश बहुत अच्छा दिख रहा है। कौन सा? देखिए, मोबाइल में पूरा ऑरेंज है, ऑरेंज वाइट। तो दोस्तों, एक्वेरियम हाउस के सारे फिश को मैं लगभग दिखा चुका हूँ आपको। अब दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और
इस जूलॉजिकल गार्डन के अन्य वन्य जीवों को भी अब हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। दोस्तों एक्वेरियम से बाहर निकलने के बाद यहाँ का जो मुख्य मार्ग है वहाँ एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए। इस डायरेक्शन से आप घूम सकते हैं, पूरा चिड़ियाघर का आनंद उठा सकते हैं। यह क्षेत्र लगभग 110 हेक्टेयर से भी अधिक स्थान घेरता है और यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए छोटा बाइक ऑफर किया जाता है 50 रुपये में, एक दो राइड यहाँ करा दिया जाएगा। वैसे बच्चों के लिए ही है यह चिड़ियाघर, बड़े भी आते हैं उनके साथ और इस क्षेत्र का आनंद उठाते हैं। दोस्तों यहाँ दीवार पर आप जूलॉजिकल गार्डन कानन पिंडारी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, एक सेल्फी जोन है, बाहर 5 रुपये चार्ज लिखा हुआ है लेकिन यहाँ फ्री में आपको दिखाया जाता है। बेसिकली ये जो रूम है यहाँ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं वन्य जीवों के साथ, कुछ इंसिडेंट हुए हैं उसे यहाँ फ़ोटोग्राफ में काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और ये यहीं के दृश्य हैं। दोस्तों ये सब कार्य सोमवार के दिन किया जाता है वन विभाग के टीम के द्वारा। आपको बता दूं दोस्तों, सोमवार को कानन पिंडारी बंद रहता है और इस दिन वन्य जीवों की देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दी जाती है और इसी के नज़ारों का आनंद आप उठा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी फोटोग्राफी की गई है, कुछ दृश्य आपके आँखों को सुकून देती है तो कुछ मार्मिक तस्वीरें भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, एक सफ़ेद बाघ को यहाँ जलाया जा रहा था और कुछ जहरीले सांपों के भी फ़ोटो हैं जिसमें वो अंडे दे रही हैं, अपने अंडों के साथ उसकी तस्वीर ली गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा, अभी तो केवल आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसका लाइव लोकेशन, इन्हें जहाँ व्यवस्थित ढंग से रखा गया है वन विभाग के द्वारा, सारी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे दोस्तों इस वीडियो पर हम लोग। अभी केवल तस्वीरें देखें, ये देखिए एक अहिराज सांप को टीम के द्वारा पकड़ा गया है जो काफ़ी जहरीला सांप होता है दोस्तों, साथ ही साथ इसे सांपों का राजा भी माना जाता है अहिराज सांप को। आपने तस्वीर में एक कुतिया का दूध पीते हुए सफ़ेद बाघ को देखा है दोस्तों। हमारी बोलचाल की भाषा में ये शब्द थोड़ा एब्यूसिंग हो जाता है लेकिन ये दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ट्रीटमेंट किट के साथ आप एक एयर गन देख सकते हैं, पता नहीं इस पे जहर होता है कि नहीं होता, पर एक गन है यहाँ पर, उसके साथ उसकी गोलियाँ भी रखी हुई है। ये देखिए एक और बाघ है जो कुतिया का दूध पी रहा है, उसे पिलाया जा रहा है, और एक और बाघ है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे। दोस्तों कुछ तस्वीरों में आप वन विभाग के टीम के द्वारा किसी जानवर को ट्रीटमेंट करता हुआ, उन्हें इंजेक्शन लगाता हुआ आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस रूम से बाहर निकलते हैं और आगे हम पहुंच जाएंगे यहाँ छोटी चिड़ियाघर में। ये देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है, आगे एक चिड़ियाघर है। वैसे तो जू को ही चिड़ियाघर बोला जाता है लेकिन यहाँ पर केवल चिड़िया हैं, विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के चिड़िया यहाँ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए इसे लव बर्ड कहा जाता है, इसकी जालियाँ काफ़ी ख़राब है दोस्तों, तो हो सके तो आपको मोबाइल के कारण दिख ना रहा हो पर मैं इसे देख सकता हूँ। ये देखिए इसे कोको टेल कहा जाता है, यहाँ आप कुछ पक्षियों को देख सकते हैं, ये पक्षियाँ काफ़ी सुंदर है दोस्तों, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और इसकी अलग अलग प्रजातियाँ और भी हैं यहाँ, थोड़ा सा इसका कलर में डिफरेंस आ जाता है। फिर यहाँ पीला तोता देखने को आपको मिलेगा, ये देखिए ये पीले तोते हैं, इसका कलर पीले रंग का है, जनरली हम हरे रंग का देखते हैं। इस पक्षियों को बजरीगर नाम दिया गया है दोस्तों और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दोस्तों बोर्ड में लिखने में गलती हुई है या इसे कोको टील ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे पक्षियां हैं यहाँ अलग अलग प्रजाति की, सारे जगह कोको टेल ही लिखा हुआ है। ये 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगे को मेरा सैल्यूट। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लग गया दोस्तों और यहाँ हम स्नैक पार्क देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ आपको बहुत सारी प्रजातियों के सांप देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर यहाँ के शीशे थोड़ा सा ख़राब है, धुंधला सा दिखाई देता है जिसके कारण मैं अपने मोबाइल में इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ उतने अच्छे से। ये देखिए एक नेवला यहाँ घूम रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। स्नैक पार्क के बीच में यहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर भी बना दिया गया है। ये भारतीय अजगर देख सकते हैं, ये अहिराज आप देख सकते हैं, यह दिख रहा होगा आपको, काफ़ी धुंधला सा है यहाँ पर, कांच के शीशे साफ नहीं है उतने। और एक ये देख सकते हैं दबोइया सांप, इसका नाम है, ये काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों।
शीशे के इस कमरे में ये अपने पार्टनर के साथ है दोस्तों, और बहुत सारे सांप थे जो अपने पार्टनर के साथ थे पर वो दिख नहीं रहे थे, इधर उधर थे, इसलिए ये धामा नसड़िया ये तो खेतों में दिखता है। और उसके बाद हम पहुंच गए एक तितली उद्यान में। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ के नज़ारों का आनंद उठाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है जो बच्चों और लड़कियों के लिए खासकर ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लेडीज़ हैं जो सेल्फी जोन का आनंद उठा रही हैं। यहाँ एक छोटा सा गार्डन है, कुछ विभिन्न प्रकार के यहाँ फूल देखने को मिलेंगे। ये सब फूल एकदम अलग तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसे देखे होंगे, गार्डन में देखे होंगे या आपके घर में भी मिल जाएगा। पर इसका जो रोपण किया गया है, पौधा रोपण, वो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया गया है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आप फोटोग्राफी करेंगे तो भी बहुत ही आनंद प्राप्त होगा आपको। तितली घर यहाँ का नाम दिया गया है, पर देखने को यहाँ मुश्किल से दो चार तितलियाँ ही मुझे दिखी दोस्तों। ये खास है दोस्तों, इसे मंदार फूल कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा। ये वाइट कलर का काफ़ी खूबसूरत मंदार फूल है दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा कुंड टाइप का भी बना हुआ है जिसमें कमल के फूल हैं पिंक कलर के। तितली घर से आगे बढ़ने पर हमें स्टार्क और रोजी पक्षियाँ दिखाई दी। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया क्या है ये, पर उतना जान नहीं सका क्योंकि बोर्ड में उतने अच्छे से लिखा नहीं था दोस्तों। यहाँ से हम आगे बढ़ गए दोस्तों। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दिया दोस्तों। ये देखिए कैसे यहाँ पर यह टहल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ एक इसका पार्टनर भी है जो यहाँ ऊपर में बैठा हुआ है, एक टीले नुमा आकृति यहाँ बना हुआ है पत्थरों का। इसके बाद हम और बाघ देखने पहुँच गए दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, एक खुला प्लेस है, उसके नीचे एक दीवार है। यहाँ देखिए दो बाघ आप देख सकते हैं सोए हुए हैं, अभी सोए हुए अवस्था में यहाँ देख सकते हैं, ये बोर्ड देख सकते हैं आप। आसपास खुला गार्डन भी है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ बहुत सारे झूले वगैरह हैं। देखा आवाज ना ओकरे आवाज है, चलना बहुत पड़ता है, लेकिन यहाँ कितना घंटा चलना पड़ेगा पूरा इस कैंपस को घूमने के लिए? 3 घंटा चलना पड़ेगा घूमते घूमते। 3 घंटा पहले भी आया था, लेकिन हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस किया हूँ यहाँ। पहले मैं, ये मेरा चौथी बार है। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम 10th में था, तब पिकनिक में आया था स्कूल तरफ से, उसके बाद अपने एक फ्रेंड के साथ आया था, और उसके बाद एक कॉलेज फ्रेंड के साथ आया था। अच्छा। आई इस बार आपके साथ आया हूँ। इधर जाना वर्जित है दोस्तों यहाँ, लेकिन ज़्यादातर लड़के ही आते हैं। और एक बड़ा सा तालाब है और छोटा सा रास्ता दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षियाँ हैं, और मुझे तो ये डर है कि इस तालाब में मगरमच्छ ना हो, शायद ना हो, क्योंकि मगरमच्छ जहाँ है उसे, उस प्लेस को काफ़ी निगरानी में रखा गया है और बैरियर लगाया हुआ है। पर यहाँ तो ओपन तालाब है दोस्तों, अगर कहीं से मगरमच्छ आ जाता है तो हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ बोर्ड में आप अचानक मां टाइगर रिज़र्व को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर एक सेल्फ़ी जोन भी है, यहाँ कपल सेल्फ़ी खिंचवा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम सफ़ेद बाघ देखने पहुँच गए दोस्तों। हमारा दुर्भाग्य रहा कि ये भी सो रहा था, देखिए सो रहा है, इसके अच्छे से दर्शन नहीं हुए हमें। यहाँ दो बाघ हैं, दोनों के दोनों सो रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन, हम तो इसका आनंद नहीं उठा पाए, अगर आप चाहें तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। मैं कहूँगा पैदल घूमिए, अगर चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ़ होती है तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ आप जंगली सुअर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये थोड़े से ब्राउन कलर के हैं जो जनरली हम शहरों में घूमते हुए देखते हैं, उसकी अपेक्षा ये ब्राउन कलर में हैं। नॉर्मली हम जो सुअर देखते हैं वो काले कलर का होता है। इसे बस्तर में बाइसन हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बस्तर की कुछ जनजाति समूहों में इसकी प्रमुखता है दोस्तों। कुछ आदिवासी बस्तर के इसके सिंह के आकार का मुकुट धारण करते हैं दोस्तों, और डांस भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों शुतुरमुर्ग,
और ये काफ़ी बड़े साइज़ के पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के नहीं, ये सबसे बड़े साइज़ के होते हैं दोस्तों। एक्चुअली में इनके अंडे भी बहुत बड़े साइज़ के होते हैं दोस्तों। वाओ, आजा, कम 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 कम। इधर देखने बोल रहा हूँ, इधर देख, इधर। हाँ ये दोस्तों, अब शुतुरमुर्ग से मिलता हुआ एक और पक्षी देखते हैं जिसे ईमू के नाम से जाना जाता है। जनरली ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये शुतुरमुर्ग के बाद दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है। ये भी उड़ नहीं सकती है दोस्तों। ये बोट पड़ी है दोस्तों, इसमें हिरण के बारे में बताया गया है, मूसक हिरण के बारे में बताया गया है। मैं तो इसे देखा, यहाँ ये घूम रहा था। बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, सबसे छोटे साइज़ का हिरण माना जाता है इसे। और हिरणों के बारे में बात करते करते हम विभिन्न प्रजातियों के हिरण देखने के लिए यहाँ पहुँच गए दोस्तों। आप यहाँ बोर्ड में बारहसिंघा के बारे में देख सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ नील गाय भी देखने को मिलेगा, इसे भी हिरण की प्रजाति में ही माना जाता है। इसे इंग्लिश में भी नील गाय ही कहते हैं। ये थोड़ा सा ग्रे शेडेड होता है। आगे एक बोर्ड है जिसमें हिरण के बारे में बताया गया है कि वे कैसे अलग हैं एक दूसरे से। 12 प्रकार के हिरण होते हैं और सबके सिंग, उसके कलर और उसके साइज़ थोड़े से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। और यहाँ से मैं गुज़र रहा था, ये काफ़ी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है दोस्तों। चलते फिरते ये काफ़ी सुंदर रास्ता है जिसे आप देख सकते हैं। एक सांभर प्रकार का हिरण, इसे आप देख सकते हैं, ये अभी घास खा रहा है या खा रही है। ये नर है या मादा ये तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ आपको बहुत सारे हिरण देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रजातियों के। ये देखिए, ये चीतल प्रजाति का हिरण है। ये इसमें आपको सिंग नहीं देखने को मिलता है, ये बिना सिंग के हिरण होते हैं, थोड़े से बकरी से मिलता जुलता साइज़ और कलर का हिरण है दोस्तों। यहाँ पर एक बाघ टहल रहा था लेकिन हमें देखकर ये बैठ गया, तो इसे अच्छे से हम लोग तस्वीर में या वीडियो में ले नहीं पाए। इसके बाद हम पहुँच गए सियार देखने। आप बोर्ड में भी देख सकते हैं सियार के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। ये हिमालयन गोरल नाम से जाना जाता है, पता नहीं इसका तो नाम भी नहीं सुना था मैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। बहुत सारा हिरण देख लिए हम लोग, कुछ हिरणों को मैंने स्किप किया है क्योंकि उसका वीडियो अच्छे से नहीं आ पाया। और इसके बाद हम आगे बढ़ गए। यहाँ चलते हुए जाने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है, माहौल भी वैसा ही है और रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ भी हिरणों के बहुत सारे झुंड हैं। ये देखिए, अभी इनका भोजन का समय है, ये अपना लंच कर रहे हैं। तो इन्हें डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़ जाते हैं और हम पहुँच गए हैं सलमान खान जोन में। यहाँ आपको काला हिरण देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, भारत में काला हिरण विलुप्ति के कगार पर है दोस्तों, इसलिए इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सख्त कदम उठाया जाता है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके दोस्तों। आगे हमने कब्र बिज्जू देखा जो कब्र से लाशों को खाता है, और इसके बाद एक भूरिक्ष भी देखे। इसे कैमरे में तो मैं कैद नहीं कर पाया। यहाँ पर आप एक चील को देख सकते हैं, इसे चील ही कहते हैं ना दोस्तों। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और साथ में यह वाइट कलर का है दोस्तों। कलर के मामले में ये काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों, और साइज़ के मामले में भी काफ़ी बड़ा। ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं ना दोस्तों, उसे तो ये आराम से उठा कर ले जा सकता है। ऐसे हमने कुछ फिल्मों में भी देखा है बॉलीवुड के। और बाज के लिए यहाँ पर एक बिग सैल्यूट, एक उसके नाम से चौराहा भी बना दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ हमने एक अलग ही प्रजाति का बंदर देखा। यह देखिए दोस्तों, काफ़ी हट्टा कुट्टा मोटा सा है यह बंदर, और कलर में भी यह ब्राउन के बजाय थोड़ा सा क्रीमी शेड में है। ये देखिए दोस्तों कैसा दिख रहा है ये। अब यहाँ पर ये चुपचाप बैठ जाएगा। एक्चुअली में ये अपने फैमिली की रखवाली कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी फैमिली है और यहाँ एक और, ये बंदरिया है एक्चुअली में, और अपने बच्चे के साथ है।
ये लोग डर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसे देख रहे हैं, तो ये अपने सुरक्षा के लिए सज्ज हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा और बंदर हम देखे हैं, ये तो काफ़ी उछल कूद मचाया हुआ है। इसके बाद हम पहुँच गए मोर मोरनी देखने। अभी हम मोरनी देख रहे हैं और अब देख रहे हैं हम मोर। ये देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी समय तक यहाँ पर खड़ा था ताकि ये अपने पंखों को खोले, पर ये पंखों के मामले में यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। हाँ, ये है कि इसने गर्दन को बहुत हिलाया डुलाया। मोर मोरनी के प्रजातियों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारी राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, सभी पक्षियों में सबसे खूबसूरत पक्षी भी मोर ही कहलाता है। यह जगह दोस्तों पूरी तरीके से मोर और मोरनी से घिरा हुआ है। चारों ओर यहाँ बहुत ही अलग अलग प्रजाति के मोर और मोरनी यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें जनरली हम रंग बिरंगे मोर को ही पहचानते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है दोस्तों। ये यहाँ पर एक मोर बैठा हुआ है, थोड़ी देर पहले यह अपना पंख फैलाया हुआ था जिसका मैं वीडियो ले नहीं पाया, चूक गया दोस्तों। और देखिए कैसे उड़ रहा है। यहाँ पर एक मोरनी भी है ऊपर में बैठी हुई है, ये भी उड़ रही है। यहाँ देखिए एक और मोरनी है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सफ़ेद कलर का मोर। ये देखिए दोस्तों, ये मोर ही है एक्चुअली, इसका पंख है इसलिए इसे मोर ही कह सकते हैं। और इसके साथ इसके अंडे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मोरनी ने 8-10 अंडे दी हुई है दोस्तों। ये अपने अंडों की रखवाली भी कर रहे हैं और इन्हें खाने के रूप में सैलेड जैसे ऑप्शन दी गई है। यहाँ बहुत सारे सब्जियों के वेस्टेज हैं जिसे ये खा रहे हैं। तो लगभग हमने करण पिंडारी के सभी जंगली जानवरों, पक्षियों और बस हमने एक हिप्पोपोटामस को मिस किया क्योंकि वो पानी से बाहर ही नहीं आया, तो इसे हम देख नहीं पाए दोस्तों। कानन पिंडारी के परिसर में बहुत सारे छोटे बड़े गार्डन भी बने हुए हैं जहां आपके बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। यह देखिए एक घिसल पट्टी बनी हुई है, हाथी के शेप का यह घिसल पट्टी है और काफ़ी बड़े साइज़ का है दोस्तों। इसमें बड़े लोग भी यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियो देखने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। ये 15 अगस्त में हमारा तिरंगा लहराता हुआ, थोड़ी लेट हो गए, बिलेटेड कह सकता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ एक ट्रेन दिख रहा है हमें, टॉय ट्रेन, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है अपनी सेवा के लिए। एक बिलासा उद्यान भी है, यहाँ भी बच्चे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और जहाँ से हम निकले थे वहाँ हम फिर पहुँच गए, यानी हमारा यह कानन पिंडारी का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर एक मोगली गार्डन भी है, यहाँ भी आप घूम सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।